इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। इसराइल का जो इंटरव्यू चला था, इसराइल में सिर्फ इंडियन लेबर ही जा रहे हैं काम करने के लिए। पाकिस्तान का वीजा नहीं मिल रहा है इसराइल के लिए, सऊदी के लिए भी नहीं मिल रहा है, दुबई के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान के पब्लिक कौन ऐसी बात बोल दिए, इनका वीडियो क्लिप आप लोगों को देखनी और सुननी चाहिए। उसके पहले दुबई के शेख के तरफ से भी बयान आया है। दुबई के शेख गुस्से में कौन ऐसी बात बोल दिए, इनका भी वीडियो क्लिप आप लोगों को देखनी और सुननी चाहिए। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद दुबई के से गुस्से में कौन ऐसी बात बोल दिए, इनका भी वीडियो क्लिप आप लोगों को देखनी और सुननी चाहिए। पहले की खबर थी कि इसराइल ने यह अनाउंस किया था कि भाई वो चाहते हैं कि तकरीबन 1,00,000 इंडियन वर्कर्स को वो वीजा दें ताकि वो वहां पर आके जॉब करें, उनके साथ मिलके काम करें। अभी खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहां पे जो इम्प्लॉयज हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में हमारी डिमांड उस तरीके से क्यों नहीं है। यूएस जैसे जो कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज को चलाने के लिए जो इम्प्लॉयज चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है उन्हें, ना ही जो उनसे वो अमेरिका का वीजा यूएस का वीजा इजीली मिलता है। क्या रीजन इसकी समझते हैं? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीजन है वो हमारा, एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहां जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे, जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसके वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो है वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आगे काम करें, एजेंसी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें इंडियंस हमें नजर आते हैं? तो इंडियन बेसिकली हमें नजर इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हालात रहे नहीं और बाहर के मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन ना चल रही हो? पहले यूके में चली, फिर यूएई में, अब ये साथ में तुर्की में भी चल रही है, फिर यूके में चलना शुरू हो गई है। मतलब शर्म की बात है कि वो जाकर वहाँ पर ऐसे करतूते करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि वो भाई कहते हैं चलो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ अपने मुल्क वापस जाओ। अच्छा, इस सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेट करके ना मेन अगर रीजन निकाले ना तो लैक ऑफ लीडरशिप है। हमारे मुल्क के पास कोई लीडर नहीं है जो हमें एक सही रास्ता दिखाए और कहे कि तुम एक कौम हो, इस तरह करो, अपना नाम इमेज ठीक करो। यहाँ पे देखें चोर डाकू मसलत हो जाते हैं, 75 साल से यही कुछ हो रहा है मेरे मुल्क। आप देखें इंडियंस की जितनी इज्जत है, क्या पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत है? आप यूएसए की जितनी कंपनीज देख लें, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन तमाम के सीईओ इंडियंस हैं। आप देखें IMF का जो चेयरमैन है, हेड है, वो भी इंडियन है। दुबई में चले जाएं 90-80% स्टाफ जो एयरपोर्ट्स पे है या दूसरे ऑफिशियल स्टाफ है वो सारा इंडियन है। अफगानिस्तान में चले, इनका इतना इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तानी कहाँ पे पड़े हैं? पाकिस्तानियों को बढ़ेगा, आपको पता है मशहूर है कि ये डॉलर के लिए अपनी माँ बहन भेज देते हैं। अब बताएं क्या इसमें करें हम? हमारी ये लीडरशिप को चाहिए कि नहीं, ये म्यार हमने ये बनाना है। इनकी जो जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग करनी है कि भाई तुम एज एक एम्बेसडर हो, जो तुम करोगे वो तुम पे नहीं पाकिस्तान पे लेबल लगेगा, वो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे मुल्क का नाम बदनाम होगा, ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है। पहली चीज तो ये इसराइल के बारे में मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को इसराइल के लिए कोई वीजा, सऊदीया के एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन, हाँ जी, और इंडियन जाते हैं। तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से, इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड है, तो उधर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इधर के लिहाज से तो उनको जॉब भी ज्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज्यादा है। इधर के लोग जो है वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है, गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये बेसिकली इसके पीछे उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा थी। हमारी गवर्नमेंट में हम एक दूसरे की कास्ट के पीछे पड़ गए, एक दूसरे के पीछे पड़ गए, हमने मजहब के पीछे पड़ गए, हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमने अपने मुल्क को ही तबाह कर दिया। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वो अपने इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क को वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू किसी कास्ट या किसी रीजन के अलावा। हमें जॉब नहीं मिलती या हमें वो प्रेफर नहीं करते, उन्हें वो जॉब दे रहे हैं इंडियंस को, इसकी क्या लॉजिक? हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने देखा है कि मोस्टली जो हमसे बाहर जाते हैं पाकिस्तान से वो कोई स्किल के विदाउट एनी स्किल चले जाते हैं। हमें चाहिए कि कोई स्किल सीख के जाए, वहाँ से पैसा लाए, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस उसी स्किल पे डेवलप करें। तो हम लोग विदाउट एनी
स्किल जाते हैं और फिर कहते हैं कि वहाँ जाके सीख लेंगे, कुछ कर लेंगे, फिर वहाँ पे मजदूरी, वहाँ पे जाके हम टैक्सी चलाते हैं या हम पंप पे जॉब करते हैं या इस तरीके से और भी कुछ ऐसे काम है जो करते हैं। अगर हमारी जरूरत पड़ी और हम इंशाल्लाह हमारा मुल्क हमें इजाजत है, हमारी रियासत हमें इजाजत है, हम उसी वक्त जाने को तैयार है। इंडिया तो अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। अच्छा। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे, जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गजा में लड़ेगा और फलस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा। इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। और इंडिया जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है उनके फ्रेंड्स करी जाए, वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो करेंगे। मेन चीज यही है मेरे ख्याल में कि स्किल्ड पाकिस्तान से लोग बहुत कम जाते हैं और इंडिया के अंदर वही मैंने आपको बताया कि एजुकेशन बहुत हाई है तो उनका जो ज्यादातर बंदे जाते हैं वो एजुकेटेड होते हैं उसके अंदर, यस सर, स्किल्ड होते हैं तो उनको जॉब भी जल्दी मिलती है और वैसे डिसिप्लिन भी एक इसके अंदर आ जाता है कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर डिसिप्लिन भी आजकल बहुत खराब हो गया। लोग हमें वीजा नहीं आसानी से दे रहे, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, वो मतलब दूसरे कंट्रीज लाइक अगर इवन हमारे से ज्यादा बांग्लादेश या इवन इंडिया की बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड है इंडियन जो है वहाँ पे वर्कर या एम्प्लॉयज है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। इन्फ्लेशन रेट लास्ट मंथ की रिपोर्ट ये कि 41% पे पहुंचा, 43% पे पहुंचा हुआ है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो बच्चों ने, लोगों ने, उन्होंने मूव करना है। दूसरा आपका सवाल का जो था वो ये था कि हमें वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं, प्रेफर इंडियंस को किया जा रहा है, देखें तीन तरह के लोग होते हैं ना, एक तो सबसे पहले ये कि स्किल्ड लेबर आपकी स्किल्ड तबका जितना है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेमार हैं आपके, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इन लोगों को तो जॉब वीज़े भी मिल जाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको वीज़े मिल जाते हैं। सेकेंडली तबका आता है कि जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे हमारे भी जानने वाले गए हैं, वो 8 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन की स्टेटमेंट हो तो उनको भी वीज़े, स्टूडेंट वीज़े वगैरह इशू हो जाते हैं, वो लोग भी लीगल वे से चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कल मेरा एक लाइफ में आया एक आदमी, बोला तुम क्यों हमारा बारे में बात किया और बोला कि हम यूरोप का वीज़ा ऐसा फ्री में नहीं दे सकते, तुम नहीं देख सकते और हम तुमको बताएगा एक चीज़। पहला चीज़, हम क्यों गुस्सा है, तुम ऐसा कपड़ा पहन के हम लोग का नाम ख़राब करते हैं, हम लोग लोकल कौन, अगर तुम सकते तो मनते किसी को तुम जूद बोलेगा या कुछ भी करेगा, तुम्हारा खुद का कपड़ा दिखाओ या तुम्हारा तुम किधर से वही जगह से तुम बात करो, तुम मत दिखाओ कि तुम ऐसा पहनेगा और सब आदमी को जूद बोलते हैं, ये तुम हम लोग का नाम ख़राब करते हैं, तुम यूनाइटेड अरब एमरेट्स लोग का नाम ख़राब करते हैं। और हम लोग ऐसा आदमी नहीं है, किसी को हम लोग जूत नहीं बोलता है, ना कि हम जाएगा बेटेगा ट्रैवल एजेंसी में और ऐसा ऐसा कोई लोकल ऐसा जूत आदमी को बोलेगा, कभी भी नहीं हो सकता, एक लोकल हमको दिखाओ। तो तुम ऐसा कपड़ा पहन के और सबको जूत बोलते हैं कि वीज़ा फ्री है, ये फ्री है, इसलिए हम गुस्सा हो गया। तुम कुछ भी मनते करेगा जाओ, तुम्हारा खुद का कपड़ा में करो, तुम हमारा मुल्क का नाम ख़राब करेगा। देखो कोई भी जो भी देखेगा तुम ऐसा पहनेगा, बहुत आदमी समझते तुम लोकल है तो तुम लोकल लोग का नाम खराब करते, इसलिए सुधर जाओ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे पासपोर्ट से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के वैकेंसी से रिलेटेड तमाम जानकारी दी जाती है। साथ में नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे भी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।